मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से देखा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और अब पंजाब में किसानों ने आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किसान ने अपने कई मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई है और अब आंदोलन करने के लिए किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस पूरी कोशिश कर रही है किसानों को रोकने की, लेकिन यहाँ किसान दिखाई दे रहे हैं कि जैसे किसान आंदोलन के वक्त हुआ था कि किसान सड़कों पर बैठ गए थे, वही माहौल जो है अब पंजाब के अंदर दिख रहा है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया है, लेकिन आज देखने को मिला है कि किसान जो है वहीं पर अपना डेरा जमाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को शांत किया जाए और इन सभी के बीच अब भगवंत मान की भी प्रक्रिया सामने आ रही है। यहां पर भगवंत मान ने किसानों के आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिस तरह से किसान जो है यहां पर हंगामा कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन बातचीत के लिए दरवाजे जो है किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। जिस तरह से अब देखा जा रहा है पंजाब में किसानों की नाराजगी, आम आदमी पार्टी सरकार के साथ चल रही है, क्या अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है पंजाब में और बढ़ सकती है? क्योंकि देखिए, एक तरफ ड्रग्स को लेकर, भू माफिया को लेकर यहां पर लगातार जो है आम आदमी पार्टी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, वही दूसरी तरफ अब किसानों ने भी मोर्चा खोल लिया है। अब भगवंत मान जो है इन सभी मुद्दों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करते हैं, किस तरह से इन सभी मुद्दों को सुलझाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।